पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत की सफलता की कहानी वोकल फॉर लोकल विषय पर एक कार्यक्रम पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम के नेतृत्व में दिल्ली रोड स्थित राही होटल में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न उत्कर्ष कार्य करने वाले निर्यातकों को कई गुना निर्यात बढ़ाने के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में महासचिव द्वारा बीते 3 वर्षों में पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम को निर्यातकों की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आने वाली समस्याओं के समाधान कराने के लिए धन्यवाद दिया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम द्वारा अपना पूर्ण सहयोग निर्यातकों, आर्टिजन्स और सभी एसोसिएशंस को निर्यात बढ़ाने के लिए खुले मन से देने का वादा किया। कार्यक्रम के अंत में निर्यात क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने वाले निर्यातकों जिसमें रवि सिंह मैसर्स आरआर इंटरनेशनल, रितुल भंदूला मैसर्स अल्पाइन प्लस, राहुल सिंह मैसर्स एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया, अनुश्री सिंह मैसर्स एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया, निखिल अग्रवाल मैसर्स ओम एक्सपोर्ट्स, हेमंत जुनेजा मैसर्स ओलिवर मेकोरैया। कार्यक्रम के अंत में निर्यातकों को उत्कर्ष कार्य करने के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। इस दौरान रवि सिंह, ऋतु भंडूला, राहुल सिंह, अनुश्री सिंह, निखिल अग्रवाल, हेमंत जुनेजा, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद अबूजर और इसके साथ नजमुल इस्लाम सभी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नावेदुर रहमान, महासचिव अवधेश अग्रवाल एवं संरक्षक नजमुल इस्लाम, प्रेमवीर सिंह, राजीव भंडूला सभी निर्यातक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती यस के सदस्यों ने उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा के महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा ने किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, भाजपा के मीडिया प्रभारी संजय ढाका, वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक सिंह के साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें अमित अग्रवाल को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भी सम्मानित किया। कई मसले हमारी संस्था के द्वारा हल हो गए। मैं इसलिए सब बात बता रहा हूँ कि जफर साहब के बारे में आप सबको जानकारी होना चाहिए। खामोश तबीयत के व्यक्ति हैं, लेकिन गुलाब की तरह से खिलते हैं, जिनकी खुशबू सारी दुनिया में जाती है। हमें बहुत गौरव महसूस होता है कि आज हमारे साथ जबर शाम साहब जैसे शख्सियत इस मंच पर रहा। हमारे निर्यातक बंधु जीएसटी से जुड़ रहे थे, आर्टिजन्स का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था क्योंकि जीएसटी नहीं मिल रहा था। हमारी ईपीसीएच के डीजी साहब राकेश कुमार जी और हमारी भेंट फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ ही घंटों में कराकर उन्होंने ये सारी सुविधा हम लोगों को अगले दिन रिलीज कराई। होगा इस मंच के माध्यम से आभार नदी के उस छोर से शुरू किया था, आज मैं कामयाबी के इस छोर तक पहुंच गया है जहाँ तक मुझे बहुत हद तक मुझे यकीन हो गया है कि अब मुझे वो जमीन भी मिल जाएगी 650 एकड़, वो फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, वो जो रिसोर्सेज के तहत वो भी मिल जाएगा और यहाँ पर एक जो आर्टिकल पार्क होना चाहिए वो भी साकार होगा। ये मुझे उसका श्रेय हमारे सेंट्रल लीडरशिप के साथ साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है, जिनसे मैंने बहुत चर्चा की और उनसे अब मुझे सहमति मिली कि हाँ इस चीज़ को करना चाहिए और जल्दी इसका जो है आप अनाउंसमेंट भी देखेंगे। यह ऐसा मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अड़चनें हैं, लेकिन जैसे जैसे इस चीज़ को बेड़ा आगे उठाना चाहता तो धीरे धीरे कामयाबी के रास्ते मुझे लगता है कि हो जाए। और यहाँ से जहाँ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने पोटेंशियल के मुताबिक हम शायद उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और जितना एक्सपोर्ट होना चाहिए। लोग कहते हैं 8,000-10,000 करोड़, मैं कन्विंस नहीं होता, $1 बिलियन कुछ नहीं होता। मैं बैंकर रहा हूँ, $billions and billions में मैंने खेला है और मैं हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े आज तक के ट्रांजेक्शन
नॉवेलिस्ट के लिए मैं जो हुआ था इंतजार उसका श्रेय मुझे याद है कि मैंने सिंगल हैंडली वो ट्रांजेक्शन किया था जो 1,00,000 करोड़ का था। मैं चाहता हूँ और मेरी सोच भी है, मेरी कोशिश भी है और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर जहाँ रहा वही जो है वहीं पर आप कामयाबी मिलती है अगर आप कोशिश करते तभी कामयाबी मिलती है। मुझे यहाँ के एक्सपोर्टर में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉयट करना चाहिए, उनकी अपनी क्षमताओं को एक्सप्लॉयट करना चाहिए और ये अकेले नहीं हो सकता, इसलिए किसी बीच में इंक्रीज होता है ताकि सरकारी निदान से जो सुविधाएं मिले उनको फैसिलिटीज मिले या उसको जो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे उनके कामों में तेजी आए ना कि अड़चन आए। मैं आपको वादा करता हूँ कि अब तक जो भी बात की मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मुझे उसकी सहमति प्राप्त हुई है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात से कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बराबर मुझे कहा कि इस काम को आगे बढ़ाना है, उनके उस उनके बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अगले हफ्ते उनसे मिल रहा हूँ,